अब आइए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कैसे तकवा आता है। उसके लिए आप ये पहले जान लें कि इंसान के अंदर तीन कुव्वतें हैं, या इंसान की तीन ख्वाहिशात हैं, या उसकी तीन जरूरियात हैं। उससे पहले भी आप ये बात जान लें कि जो रूहानी बीमारियां हैं, जो दिल की बीमारियां हैं, जो जहन की बीमारियां हैं, उनकी बुनियाद दो है। एक है शुबहात और एक है शहवात। जब इंसान किसी को भी सुनना शुरू कर देता है बगैर आलिम की रहनुमाई के, कुछ भी पढ़ने लगता है, तो देखिए पढ़ने की चीज तो बहुत ज्यादा इस कायनात में भरी हुई है, सुनने की चीजें तो आप नेट पे चले जाइए तो पता नहीं कितने खरबा खरब सुनने की चीजें मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो उससे शुबा पैदा हो सकता है, होता है। आप किसी की बात मुसलसल सुनते रहिए, किसी के बारे में, किसी शख्स के बारे में आपको रोज 5 मिनट कुछ बताया, जब मुलाकात हो उसकी कोई ऐब, कोई बुराई, कोई खामी, और आप उस शख्स से ना मिल सकें या किसी और की रहनुमाई ना हो, तो आपको शुबा होने लगेगा। तो एक रूह की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों में एक बीमारी है शुबहात की, और रूह की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में एक बीमारी है शहवात की, ख्वाहिशात। इंसान का मन बहुत सारी चीजों को चाहता है, इंसान की ख्वाहिश बहुत सारी चीजों की होती है। तो इन दो जरियों को शैतान पकड़ता है, शुबा वाले जरिए को जो वसवसा में होता है उसको, और शहवत, इंसान के बारे में शैतान जानता है कि उसकी ख्वाहिशात हैं, तो उनके ख्वाहिशात की डोर पर चढ़ के आता है। वो ख्वाहिशात की जो रस्सी होती है, उसी रस्सी से लटक करके वो इंसान के दिल में उतरता है। इंसान की आंखों की जो ख्वाहिश होती है, उस ख्वाहिश के जरिए वो इंसान के अंदर आता है। इंसान की जबान की जो ख्वाहिश है, इंसान के कानों की जो ख्वाहिश है, इंसान के हवास और महसूसात और उसके बदन में जो टच है, जो मस है, जो एक छूने का एहसास है, उन तमाम चीजों के जरिए शैतान इंसान के अंदर आता है। तो इंसान की दो रूहानी बीमारियां हैं, शुबहात और शहवात। और खास तौर पर रमजानुल मुबारक में जो शहवात वाला मामला है उसको कंट्रोल किया जाता है। शहवात को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि मिसाल के तौर पर इंसान की एक ख्वाहिश या इंसान की एक फितरत भी है, उसी से ख्वाहिश भी निकलती है, उसी से फितरत का ताल्लुक भी है, उसी से जरूरत का ताल्लुक भी है। वो क्या है कि बकाए नफ्स के लिए खाने का मुतालबा, अल्लाह ने इसके फितरत में रखा हुआ है। बकाए नफ्स के लिए खाने का मुतालबा इस तरह अल्लाह ने रखा है कि देखिए, अगर आप पर निर्भर होता, आप पर निर्भर होता कि आपको खाने की अंदर से चाहत ना पैदा हो, तो हो सकता बहुत सारे लोग खाते ही नहीं। इंसान बड़ा गाफिल है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी फितरत में खाने की ख्वाहिश ऐसी डाल दी है, बड़ा से बड़ा अमीर हो, जिसके पास नेमतों और दस्तरखान की भरमार हो, पैसे हो, रुपए हो, बाग हो, बागात हो, तमाम चीजें हो, तमाम तरह की खाने पीने पहनने की नेमतें उसको चाहे जितनी मयसर हो, सुबह शाम चारों तरफ उसकी नेमतें लगी रहती हों, लेकिन वो अमीर से अमीर आदमी जब भूख लगती है उसको, तो वो परेशान होता, कहीं मिले तो खाऊं, कहीं मिले तो खाऊं, और अगर एक टाइम दूसरा टाइम हो गया तो शदीद भूख उसको हो जाएगी, और वो खाने के लिए लपकेगा, भाई जल्दी मिले कहां खाऊं। ये फितरत अल्लाह ने डाली हुई है। बकाए नफ्स के लिए गिजा का मुतालबा, बकाए नस्ल के लिए जिन्स का मुतालबा, जिसे जानवर है, जैसे इंसान है, उसको अगर वो सेहतमंद है तो औरत को मर्द की और मर्द को औरत की जरूरत है। ये फितरत में अल्लाह तबारक व ताला ने रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये चीज ये इंसान की फितरत में ये बात नहीं होती तो इंसान ये बच्चों का बोझ हो सकता नहीं बर्दाश्त करता, हो सकता कुछ लोग कर लेते लेकिन ज्यादातर लोग नहीं बर्दाश्त करते, हो सकता अपनी ख्वाहिश के लिए, किसी दूसरी ख्वाहिश के लिए, लेकिन ये कि बच्चों को पालें और सारी चीजें करें तो आमतौर पे इंसान ऐसा नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर एक ख्वाहिश ऐसी रखी हुई है। और आप देखिए इंसान बहुत सारी कोशिश करता भी है बच्चों को हटाने की, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी ख्वाहिश रखी हुई है उसके अंदर कि वो उसकी मजबूरी है, वो है। इसी तरीके से अपनी हालत की बका के लिए आराम का मुतालबा, फौरन जब वो थकता है ना तो फौरन चाहता कि सो जाऊं। ये तीन मुतालबात हैं इंसान के अंदर, ये तीनों मुतालबात अगर बैलेंस में ना हो, कंट्रोल में ना हो, तो फिर इंसान हैवान बन जाता है।
आप एक बैल है, उस बैल को खूब चरा उरा करके आप पूरा चारा खिला करके पेट दोनों तरफ भरा हुआ है और ले करके आप आइए, एक बार तजर्बा कीजिए। और इस साइड में भी हरी हरी खेतियां हो और इस साइड में भी हरी हरी खेतियां हो, और बैल का पेट भरा हुआ है लेकिन आप उसको लेके आएंगे ना तो वो नहीं भी खाएगा तब भी मुंह मारेगा, ऐसे चप से इधर मारेगा चप से उधर मारेगा, दो चार वो घास जो फसल लगी हुई है खेती ना वो मुंह मारेगा ही, उसकी आदत है मुंह मारने की, क्योंकि हैवान है वो। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कंट्रोल किया है कि ये मुंह तुमको नहीं मारना है, खाने में जानवरों जैसा मामला नहीं रखना है, जिन्स में नरो मादा की जरूरियात में जानवरों जैसा मामला नहीं रखना है, आराम के मामले में जानवरों जैसा मामला नहीं रखना है, इसको कंट्रोल में रखना है। और इसको कंट्रोल करने के लिए एक खास मौसम, एक खास महीना अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक का रख दिया है कि खाने के मामले में आप देख लीजिए कुछ चीजें तो हराम है, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल चीजों को भी हराम कर दिया है, एक खास टाइम के लिए, एक खास वक्त के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल को भी हराम कर दिया है ताकि आपके अंदर वो कंट्रोलिंग पैदा हो। सामने एक तरबियत लीजिए बच्चों को भी, मैं इसीलिए कहा करता हूं कि बच्चा रोजा से नहीं है लेकिन इफ्तारी के वक्त उसको पकड़ा मत दिया कीजिए ले तू खा, नहीं, तरबियत के लिए पहली तरबियत किसी बच्चे को रोजा रखवाने का पहला स्टेप यह है कि जब आप इफ्तारी का दस्तरखान लगे तो बच्चे को खाने ना दें, बड़ा अभी अजान होगी तो खाते हैं, अभी इतना बजेगा तो शुरू करते हैं, रोजे की पहली तरबियत उसकी है, आप उसको खाने मत दें, ताकि एक भूखा मोमिन उसको इस बात की तरबियत हो कि अंदर कितनी भूख लगी है, अंदर कितनी आग लगी है, अंदर कितनी जरूरत है, अंदर ख्वाहिशात का कैसा समंदर है, लेकिन ईमान की ताकत ऐसी है, कुरान की तरबियत ऐसी है, सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के जरिया उसके अंदर तहजीब की ऐसी ताकत है कि वो खाने की तरफ हाथ बढ़ा नहीं सकता, चाहे जिस अमीर का दस्तरखान हो, दुनिया की कीमती से कीमती नेमत उसके सामने मौजूद है, ऐसे फल मौजूद हैं जिनको वो अखबारों में पढ़ा करता था, नाबिलों में पढ़ा करता था, सुना करता था लोगों की जबानी कि फला फल बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, उसके ये फवायद हैं, वो सुना करता था, आज उसकी दस्तरखान पे मौजूद है, गरीब आदमी है, उसकी इस्तेताअत से बाहर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कुरान और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने उसकी जबान में वो तहजीब पैदा की है, उसके हाथों में वो कुव्वत पैदा किया है, उसकी निगाहों में वो हया डाल दी है कि वो अपना हाथ नहीं बढ़ा सकता जब तक अजान ना हो जाए। ये तरबियत अपने बच्चों को देनी है, इस तरबियत के लिए रमजान मुबारक का महीना है कि जैसे भी हालात हो जाएं, अहले ईमान पे हालात इकसा नहीं है, रमजान में बहुत सारी तरबियत मौजूद है, बहुत सारी तरबियत मौजूद है, हालात इकसा नहीं होते हैं, इंसान के जान का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, कारोबार में गड़बड़ी आती है, घरों में परेशानियां आती हैं, इंसान मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है, अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के जरिए तरबियत दी है कि इन मुख्तलिफ मराहल में मोमिनाना शान के साथ जी सको और रह सको। तो ये इन मुतालबात को कंट्रोल में करना है मुख्तसर में। दूसरा पॉइंट कि माहौल अल्लाह ने ऐसा बना दिया ना, मौसम हर आदमी रोजा रखे हुए है, तिलावत की बात चल रही है, दीन की, अच्छा इस मौसम में आप एक एक, एक बार आपको कजा रोजा रखना हो तो कितना मुश्किल होता है, वो घर भर को पूरा प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छा नहीं कोई उठना नहीं ना, मैं उठ जाऊंगा, वो खजूर रख देना ना, मैं वो खा लूंगा, वो दूध रख देना, मैं उतना कर लूंगा भी, कौन जाए जगाने, कितना मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह ने ये महीना कैसा कर दिया है कि ऑटोमेटिक सब कुछ आसान है, सारा मामला आसान है आपके लिए। और भूख, ये भूख ना ये खुद इंसान की बहुत सारी गंदगी को हटाती है, इंसान जब मुसलसल खाता है यार, खाया जाता है खाया जाता है खाया जाता है, तो ये मुसलसल खाए जाना भी इंसान की रूह को गदला कर देता है, मुसलसल खाए जाना, कभी भूख से दो चार ना होना, जो लोग सुबह शाम खाते रहते ना दिन रात, उनके देखिए कि उनकी तबीयत कैसी मुर्दा हो जाती है, भूख से तबीयत निखरती है, एक बार भूखा रह के देखिए, आप जब भूखे होते हैं ना तो बदन में एक चुस्ती, बदन में एक चुस्ती महसूस करते हैं, जब आपको भूख लगती है तो बदन में एक खास किस्म की चुस्ती, एक खास किस्म का हल्कापन महसूस करते हैं, और जब खाते हैं तो ऐसा ढीला होते हैं। तो ये मुसलसल जब आप बगैर भूख के खाना, कभी भी खाना, कुछ भी खाना, जैसे खाना तैसे खाना, तो ये मुसलसल खाने से भी कसाफत आती है। दुनिया है ना,
दुनिया नॉर्मल तरीके से भी कसाफट डालती है, यानी नॉर्मल आप कमाई कर रहे हैं, हराम नहीं कर रहे हैं, हलाल नॉर्मल आप खा रहे हैं, हलाल खा रहे हैं, लेकिन जब दुनिया में आदमी व्यस्त होता है तो वो दुनिया का भी अपना एक असर होता है। तो भूख जो आती है ना, वो भूख खुद बजाते खुद भी उसके अंदर एक सलाहियत है कि हमको चमकाए, ईमान वाली भूख, ईमान के साथ भूख, कुरान हदीस की रोशनी में भूख, वो हमको चमका देती है। इसलिए भी रमजान जरूरी है।